नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। अभद्र दुर्व्यवहार का आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर छोटा नगरी में किया गया प्रेस वार्ता। मंटू रवानी और बहादुर रवानी ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। पहले यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया प्रभारी के तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे। ये घटना मेरे भाई का पत्नी का है, जो 2 ग्यारह 2022 को करीब अर्ली मॉर्निंग, हो सकता है 1 तारीख को रात को घर से निकल गई थी। जब हम लोग चारों तरफ खोजबीन किए तो वहाँ पता चला। उसके बाद उनका मायके को भी फ़ोन किया, मायके वाला से भी हमको सूचना दिया गया कि यहाँ पर भी नहीं लड़की आई है। उसके बाद तुरंत जाकर हम लोग तेतुमारी थाना में गुमशुदी का एक आवेदन दिए। उसके कब दिए? 2/11/2022 को गुमशुदी का दिए। वहाँ क्या बोलते उसको आवेदन दिए, गुमशुदी का आवेदन है तेतुमारी थाना में। उसके पश्चात जब तेतुमारी थाना द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया, मतलब ढूंढने का प्रयास किया गया, तब खोज करने बाद जब लड़की का घर मायके वाला को प्रताड़ित किया गया कि नहीं, मैंने प्रेशर दिया गया कि कहाँ है लड़की को बुलाओ, तुम्हें लोग को भगाने का मुख्य हाथ है, तब जाके 9 तारीख को 9/11/2022 को लड़की थाना में आके सरेंडर की। उसके साथ जो लड़की के साथ भागी हुई थी उसमें एक बच्ची भी थी, उन लोग भी पहुंची। जब थाना द्वारा हमको सूचित किया गया, लड़की एक लड़का के साथ भागा, उस समय हमको मालूम नहीं था कि कौन लड़का के साथ भागा था। जब थाना द्वारा हमको सूचना मिला कि नहीं देखिए आपका भाई का पत्नी और दोनों बाल बच्चा थाना में मौजूद है, तब पता चला थाना द्वारा कि वो प्रदीप कुमार गुप्ता नामक लड़का से भागी हुई थी, जो हंडा का ही रहने वाला है, उसी का घर के जस्ट बगल में ही रहने वाला है। आई लोग थाना में लिखित भी दी है कि हम लोग बचपन का प्रेमी है, हम लोग को जानबूझ के शादी करवाया गया, हम लोग पहले से भी एक साथ रहना चाहते थे लेकिन मेरे माँ और बाबूजी का जबरदस्ती के कारण नगरी बस्ती में हमको शादी दिया गया। ये लिखित रूप से लड़की अपने हाथ में दी है, लड़का भी दिया गया है। लड़का लड़की मिला के दिए थाना में अपने लिखित आवेदन कि हम लोग बचपन का प्रेमी है, खुशी पूर्वक रहेंगे। थाना द्वारा भी दोनों से बॉन्डेड कराया गया कि ठीक है आप लोग जा रहे हैं तो लिखित दे दीजिए। थाना द्वारा भी लिखित कराया गया था। क्या चाहते हैं? इसके बाद इसके उपरांत लड़की जब यहाँ से चली गई, उसके बाद लोग 1.5 महीने बाद, दो दिन बाद महिला थाना में भी लड़की गई थी कि नहीं हम रहना चाहते हैं, लेकिन महिला थाना में जब हम इस तरह का लिखित जो आवेदन थाना में दी थी लड़की दिखाए तो महिला थाना से भी उसको बोल के क्या कि तुम तो अपने खुशी पूर्वक अपने बचपन के प्रेमी के साथ रहना चाहती है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद फिर लड़की वो लड़का के साथ कहीं चली गई। 1.5 महीना के बाद फिर जाकर धनबाद न्यायालय में वो लड़की केस करती है। वो केस कर रही है 23/12/2022 को कि मेरे साथ कुछ गलत हरकत किया गया था, मेरे भैंसुर और ससुर मिल के प्रताड़ित किया गया था, इसके कारण हम घर से भागे हुए थे। तो थाना में जब लिखित आवेदन दी और कोर्ट में जब लिखित आवेदन कि हम बचपन का प्रेमी के साथ रहना चाहते हैं, और फिर जाके 1.5 महीने बाद कोर्ट में केस कर रही कि नहीं हम रहना चाहते हैं अपना ससुराल में, तो कहीं ना कहीं जाके भैंसुर और ससुर को फंसाने का काम किया जा रहा है ताकि इससे कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से पैसा वसूलने का भी काम किया जा रहा है। इससे पूर्व भी जो लड़की के बड़ी दीदी है, इसका घटना भी इसी तरह का हुआ था कि अपने ससुर को पूरी तरह से फंसाया गया था कि मेरे साथ बलात्कारी कर रहा था, ये हम लोग का जानकारी है। घर में लड़का अपनी माँ, जो लड़की का पति है वो अपना माँ का इलाज के लिए भिलोर गया हुआ था। घर में हम और मेरे पापा थे। जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं मीडिया बंधुओं के द्वारा कि जो समाज के द्वारा कि जो मेरे पर आरोप लगा है, उस आरोप को आप लोग के माध्यम से प्रशासन पूरा अच्छे से जांच कर ले, और जो जांच में निष्पक्ष जांच करके जो भी निकले उसमें
कानूनी कार्रवाई किया जाए और अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दिया जाए, अगर इसमें उसका घर वाला का झूठा बयान देकर अगर किस तरह हमको फंसाना चाह रहे हैं तो उसमें उसका कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू कुमार रानी हुआ, मैं लड़का का बड़ा भाई। समाज से यही कहना चाहते हैं कि मेरे भैया को जो आरोप लगा हुआ है उसे सब पर जांच किया जाए और उन्हें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं इस सब चीज़ से। इस पर मेरा भैया ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ससुराल वालों से, उस पर भी जांच किया जाए, उस पर भी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर रवानी है। देखिए, चूँकि घटना हमारे गांव का है, मंटू रवानी द्वारा हमको सूचना दी गई किया कि मेरी जो भाई की पत्नी है वो नहीं मिल रही है, घर में नहीं है। तो हम इसमें बोले कि मंटू रवानी को आप जाइए, पहले खोजबीन कीजिए, उनके मायके वाले से भी खोजबीन कीजिए और अंत में फिर हमको मंटू रवानी जी बोले कि नहीं मिल रहे हैं, उसका मायके वाले से भी हम बात किए। तो यही हम बोले कि जाके आप प्रशासन से जाके गुमशुदगी का इस्नाद दर्ज करवाइए और मंटू रवानी जी जाके गुमशुदगी का इस्नाद दर्ज करवाएँ। और फिर बीच में हमको डेट तो याद नहीं है, लेकिन लगभग थाना द्वारा सूचना मिला कि आपका क्षेत्र का जो लड़की गई थी वो थाना में आई हुई है। तो हम लोग गए तो लड़की का जो बयान था थाना में यही था कि हम ना मायके जाएंगे और ना ससुराल जाएंगे, जिसका हम गवाह भी हैं, प्रत्यक्ष मेरे सामने कहा गया है। उसका बाद जो है लड़की का मायके वाले भी लोग आए थे, माँ बाप सब कोई, और इस दरमियान हम लोग समझाने के काफ़ी प्रयास किए लेकिन लड़की नहीं मानी। और उसका बाद लड़की अपना लिखित बयान देके, कोई गुप्ता है हम उसको नहीं जानते हैं, प्रदीप गुप्ता करके वो लड़की चली गई। उसका बाद का प्रक्रिया उतना हमको विस्तार से नहीं पता है, लेकिन मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। मंटू को समाज से, जिला प्रशासन से न्याय मिलना चाहिए। इसका जो आचरण पर जो उंगली उठा रहा है उस पर भी हम यही मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और उचित कार्रवाई हो। थाना से लड़की जो गई है वो अपना एक लिखित आवेदन दी है कि हम स्वेच्छा से हम प्रदीप गुप्ता से बचपन से प्यार करते हैं या जो भी है, हम स्वेच्छा से उसका साथ रहेंगे, हम बहादुर रवानी के साथ नहीं रहेंगे। मैं कहना कि हम लोग को जानकारी मिला था जिस दिन लड़की गायब हुई थी, तो सुबह जानकारी मिले कि लड़की घर से गायब है। तो गायब है तो काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कहीं सारा रिश्तेदार यहाँ फोन फान से संपर्क किया गया, कहीं पता नहीं चला। तो लास्ट में मंटू जी जाके थाना में सना दर्ज किए गुमशुदगी का। उसका दो तीन दिन बाद पता चला कि कहीं से लड़की आई, थाना द्वारा सूचना दिया गया कि लड़की हाजिर हो गई। हम लोग सभी ग्रामीण वासी वहाँ गए तो जाके देखें कोई दूसरा लड़का के साथ, वो अपना ही उसका पड़ोसी था उसी के गांव का, उसके साथ वो आई। और उसका कहना था कि हम इसी के साथ रहेंगे और इसी के साथ जीवन यापन करेंगे। और वही वहां पे वो एप्लीकेशन लिख के दी थाना में, थाना के द्वारा भी एप्लीकेशन लिखा गया कि हाँ ठीक है, ये लोग स्वेच्छा से इसके साथ जा रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद मालूम चल रहा है कि वो लोग थाना में कोर्ट में जाके केस किए और ये केस किया अपना भैसूर मंटू रवानी के ऊपर। ये सरासर झूठा आरोप है, क्योंकि ये खुद ही लिखित दी है कि हम उसके साथ रहना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फंसाने का साजिश है, जो कि हम चाहते हैं, पूरा ग्रामीण चाहता है कि ये निष्पक्ष जाँच करके जो उचित कार्रवाई हो उन लोगों पर किया जाए। देखिए, सारा घटनाक्रम जो गांव में जब हुआ है तो घटनाक्रम के बारे में हम जानते, लेकिन बहुत ही निंदनीय बात है कि सारा घटनाक्रम जो है प्रशासन के सामने, ग्रामीणों के सामने आंख खुला सब देखें और देखने के बाद जो फिर जो है प्रशासन के द्वारा जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है कि मंटू रवानी की जो ठीक किया गया है कि व्यवहार गलत व्यवहार किया गया है और उनके ऊपर आरोप लगाया, ये निराधार गलत है। जो वो थाना में जो है लिखित और मौखिक बयान देती है, लिखित के साथ देती है कि हम बचपन के प्रेमी दीपक कुमार गुप्ता के साथ जो है प्रदीप कुमार गुप्ता के साथ मेरा जो है प्रेम संबंध है बचपन से,
और आने वाला दिन में उन्हीं के साथ रहेंगे और एक लिखित देंगे, बंद पत्र लिख के है उनके साथ जो चली गई और उनके पिता तुलसी रवानी, उनके भाई बहादुर रवानी, उनकी माँ कौशल्या देवी को जूठा केस में सीबी केस दायर करके जो है गलत कदम लगाया गया है। ये समाज भी जानती है, गांव भी जानता है और जिला प्रशासन भी जानता है। बात है कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? बैजनाथ कुमार रवानी, समाज सेवी छोटा नगर। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।